हाय गाइस, मैं हूँ मौमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? सो आज सुबह कुछ जल्दी ही स्टार्ट हुई है, तो मैं अभी जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ। तो दुर्गा पूजा इज़ ओवर, लक्ष्मी पूजा इज़ ओवर, अभी दिवाली आने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। और अभी फिर से बैक टू द रूटीन, स्कूल ऑफिस सब कुछ है अभी। और मैं भी सोच रही हूँ कि अपना जो रूटीन है ना, वो थोड़ा सा चेंजेस लाऊँ उसमें। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। तो अभी वेट लॉस मेरे लिए एक बहाना बन गया कि मैं वेट लॉस मैं करना चाहती हूँ, मैं फिर से अपने शेप में वापस आना चाहती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग चुराने की वजह से थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है मैंने, तो बस 3-4 किलो मुझे घटाना है। तो इसी बहाने मैंने सोचा कि शादी से पहले मैं अपना वेट लॉस जो है ना वो कर लूँ। तो आज से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ मेरा ये नया जर्नी और नया रूटीन। तो सुबह मेरी जनरली स्टार्ट होती है 7:45 या 8 बजे, तो अभी मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज 7 बजे का अलार्म दिया था, लेकिन उठने में थोड़ी सी देर हो गई। और आते ही सबसे पहले मैं बैल्कनी में चली आती हूँ, बैल्कनी में आके थोड़ा सा ग्रीनरीज देखती हूँ। अगर पानी देने की ज़रूरत होती है इस पौधे में, तो मैं पौधे को पानी देती हूँ। उसके बाद मैंने फटाफट अपना नाइट सूट चेंज किया और अपने आउटफिट में आ गई। और अभी बाल वाल करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा सा लेट हूँ ना, और एक नया चीज़ अडॉप्ट करने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा खुद को भी टाइम देना पड़ता है। तो फटाफट मैंने बालों को बांध लिया है, क्योंकि मुझे सुबह ही एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज करने से पहले मैं थोड़ा सा फ्रेश होना चाहती थी कि ब्रश व्रश कर लूँ, ताकि नींद जो है ना वो प्रॉपरली चला जाए, आँखें खुल जाए, क्योंकि नींद आ रही थी मुझे। और बस फ्रेश होने के बाद मैंने एक फटाफट एक ग्लास मैंने पानी पिया, ग्लास नहीं ये वाला जग में मैं पानी पीती हूँ, तो इसमें मैंने पानी पिया। और इसके बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे अभी नींद आ रहा है फिर से, तो बहुत अच्छा लग रहा था अभी। और सुबह उठना जो है ना वो धीरे धीरे हैबिट बनता है, 1-2 दिन में तो नहीं होता है, धीरे धीरे हैबिट बनता है। और फिर मैं YouTube में सर्च कर रही हूँ कि मैं क्या कार्डियो करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं कार्डियो करने वाली हूँ, तो मैं देख देख के कार्डियो करूँगी। और यही वाला मैंने चूज़ किया, 15 मिनट कार्डियो, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ। तो पहला दिन 10-15 मिनट के लिए मैं करूँगी, दैट विल बी इनफ फॉर मी। और उसको मैंने डाइनिंग टेबल पे मैंने सेट कर दिया है, और मैंने सोचा कि यही जगह अप्रोप्रिएट है करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मैं TV चला के भी कर सकती थी, लेकिन वहाँ पे ना स्पेस कम है, तो यहाँ पे मैंने सोचा तो पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेती हूँ, थोड़ा सा जॉगिंग कर रही हूँ ताकि बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लेती हूँ। और उसके बाद जैसा दिखाया गया ना एग्जैक्टली मैं वैसा ही करने की कोशिश कर रही थी, और ऐसा मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी देख देख के एक्सरसाइज करना। मेरे हस्बैंड करते हैं, बट मैं दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था कि कैसे कर रहा है, देख देख के मैं वो करूँ। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, लेकिन ना हम लोग डेली लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि मतलब खुद के ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं, एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वेट लॉस तो बहाना बन गया। मैं किसी को भी नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा वेट गेन कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आपको एक्सरसाइज करके वो वजन घटानी है। तो इफ़ यू आर हैप्पी विथ योर बॉडी योर शेप देन गो फॉर इट, लेकिन हल्के हाथों सबको एक्सरसाइज करना चाहिए। और मुझे अभी मिशन है कि मैं बॉबी की शादी से पहले मैं थोड़ा सा वेट लॉस मैं कर लूँ, जो भी एक्स्ट्रा मैंने पुट ऑन किया है वो सब मैं घटा लूँ। और बस मैंने ज़्यादा नहीं किया, 10-15 मिनट ही मैंने किया एक्सरसाइज करने के बाद, ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी, मैंने फ़ैन ऑन किया। और अभी सुबह के टाइम उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ठंड सा मौसम होता है, लेकिन मैंने फ़ैन चला दिया और मैं बहुत ज़्यादा हाफ रही थी, क्योंकि फर्स्ट डे था ना इसलिए। तो मैं थोड़ा सा फ़ैन के नीचे मैंने बैठा और फिर थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स किया। और ज़्यादा टाइम यहाँ पे मुझे नहीं मिला कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ फिर काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि नहीं, ऑलरेडी मैं लेट उठी हूँ ना थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे अभी ब्रेकफास्ट बनानी है, विहान का टिफ़िन बॉक्स बनानी है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं। मैं फटाफट गई फिर किचन में, और किचन में जाके मैं ब्रेकफास्ट और टिफ़िन बॉक्स अभी दोनों बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने गैस में थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया है, क्योंकि मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ विहान के टिफ़िन बॉक्स के लिए, और सॉल्ट डाला है इसमें और थोड़ा सा ऑयल डाला है, और फिर पानी को मैं बॉयल होने के लिए रखूँगी। तो मैं बनाती हूँ ये मैकरोनी पास्ता, विहान को यही वाला पास्ता पसंद आता है, तो
बॉयल जब आ जाए तब इसमें मैंने थोड़ा सा पास्ता डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि मैं सिर्फ उसके टिफ़िन बॉक्स के लिए ही मैं बना रही हूँ। पास्ता चलाने के बाद साइड बाय साइड मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स का चीला। तो मैंने ले लिया है ओट्स और इसमें मैं थोड़ा सा सूजी भी ऐड करती हूँ, ज़्यादा नहीं, जस्ट जितना मैंने ओट्स डाला है ना उसका 1/4 मैं सूजी इसमें डालती हूँ। डालने के बाद हम इसमें मिलाएंगे दही, तो दही मैंने कल रात को ही जमा दिया था, तो कितने अच्छे से जम जाता है ना दही और दिखने में कितना अच्छा लगता है। और दही के साथ हम इसको मिक्स करने वाले हैं और मैं दही थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालती हूँ, ज़्यादा डालिएगा दही तो ज़्यादा मज़ा आता है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट होने देने वाली हूँ ताकि ये जो सूजी वगैरह है ना वो फूल जाए और ओट्स भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और पास्ता बॉईल होने के बाद मैं इसमें पास्ता बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ सिंपल सा व्हाइट सॉस पास्ता, थोड़ा सा बटर डाला है इसमें। और अभी मैं आटे से बनाती हूँ, पहले दिन मैंने मैदे से बनाया था, उसके बाद से मैं आटे से बनाती हूँ और ये पैन ना बहुत जल्दी हीट हो जाता है। और यहाँ पे मैं आटे को ना हल्का सा भून रही हूँ, व्हाइट सॉस पास्ते की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर किया है और आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही भून गया है, इतना भी ज़्यादा नहीं भूनना है, लेकिन क्योंकि ये पैन ज़्यादा हीट हो गया था और मुझे कैमरे भी सेट करना था तो इसलिए थोड़ा सा हीट हो गया है। और मैंने ना एकदम फ्रीज से ठंडा दूध इसमें डाला है तो इसलिए गुठलियाँ भी पक गई थी, तो जब गुठलियाँ पक जाता है ना तो आपको ये करना है कि चम्मच की मदद से ना उस गुठलियों को हल्का हाथों तोड़ देना, तो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा, मुलायम थिक पेस्ट सा बन जाएगा। और जब अच्छे से पेस्ट रेडी है ना, हमारा वाइट सॉस रेडी है, तो उसमें मैं थोड़ा सा फिर से मैं दूध मिलाती हूँ ताकि थोड़ा सा एक रानी कंसिस्टेंसी आए, क्योंकि आप पहले से अगर थिक बनाओगे ना तो पास्ता बाद में जाके और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। और फिर मैं इसमें पास्ता डाल रही हूँ और उसको मिक्स कर दिया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसमें ऐड किया और हल्का सा सॉल्ट मैंने ऐड किया, मुझे लग रहा है कि सॉल्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और फिर इसमें मैंने डाल दिया ऑरिगैनो और फिर इटालियन मिक्स हर्ब्स, दोनों मिला दिया थोड़ा थोड़ा करके। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो अमूल के चीज़ क्यूब्स आते हैं ना उसके हाफ मैंने डाला है, तो आप चाहे तो पूरा डाल सकते हो, मैंने हाफ डाला है। तो ग्रेटर मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने चाकू की मदद से ना ऐसे काट काट के मैंने डाला है। और बस मिक्स करने के बाद मैंने कवर कर दिया उसको, वो ऐसे ही जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाएगा और बिहान का टिफ़िन बॉक्स इज़ रेडी। और ही हरबरी में मैंने वो टिफ़िन बॉक्स मैंने पैक किया है और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो थोड़ा सा भेजिस में मैंने लिया है गाजर, एक गाजर को मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है, तो बहुत ही जल्दी में हो जाता है ये। और थोड़ा सा पानी मैंने डाल के कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लिया और थोड़ा सा डाला है नमक स्वाद अनुसार, और वो सब कुछ मिक्स करके मैंने एक छोटा सा चीला बना दिया था बिहान के लिए ब्रेकफास्ट वो किया। और अभी वो जा रहा है स्कूल और सुबह ज़्यादा उसको मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि सुबह उठते ही ना वो थोड़ा सा ज़िद करने लगता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ब्रश नहीं करना है, मुझे रेडी नहीं होना है, तो बहुत ही हड़बड़ी में हम दोनों मिलकर उसको कैसे भी करके रेडी कर जाते हैं। और वो चले जाने के बाद मैं यहाँ पे सुकून के साथ वो बैटर में मैं अभी डाल रही हूँ ग्रीन चिली और अनियन, क्योंकि अनियन व्यान को पसंद नहीं है उतना ज़्यादा और ग्रीन चिली उसको खाना नहीं है, तो अभी इन सब को मिक्स करके मैं चिला बनाने वाली हूँ। और बस तवा मैंने गरम कर लिया है और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी। हाँ, अभी वेट लॉस कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी ये सब नहीं, घी में होता है गुड फैट और घी इज़ बेटर देन ऑयल, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऑयल का कंजम्पशन मैं कम करूँ और घी का कंजम्पशन मैं करूँ उसके जगह, वो भी मॉडरेट अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 चम्मच घी यूज़ कर लो, तो जैसे कि आपने देखा मैंने थोड़ा सा घी यूज़ किया है। वेट लॉस के नाम पे बहुत लोग बहुत कुछ नहीं खाते हैं, खुद को भूखे पेट रखते हैं कि वेट लॉस करानी है, ऐसा नहीं, सब कुछ खाना चाहिए। मैं वेट लॉस जब करना चाहती हूँ ना तो मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं बस ये ध्यान रखती हूँ कि मैं जो भी खा रही हूँ वो हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो, और बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं वेजीज खाऊँ, फाइबर कंज्यूम करूँ, तो वो मैं ध्यान में रखती हूँ। और ओट्स चीला बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए मैं उसको ना धीरे से सेकती हूँ, और जब सेकती हूँ तो यहाँ पे मैं अपना बेड भी सेट कर रही हूँ क्योंकि 9:30 से पहले मुझे ये सब करना होता है वरना मेरे हाउस हेल्पर आ जाता है, और हाउस हेल्पर आने से पहले मैं अपना बेड जो है ना वो सेट करती हूँ, डस्टिंग वगैरह जो भी करनी होती है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो ये बेड मैंने सेट कर लिया और तब तक यहाँ पे जो चीला है ना वो भी रेडी हो गया, तो ये देखिए चीला कितने अच्छी तरीके से तैयार हो गया है और मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी करती हूँ इसको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओट्स का चीला आप जब भी बनाओगे ना तो दही ज़्यादा डालना और वेजीज़ ज़्यादा डालना,
तो मज़ा आता है इसको खाने में। और अभी मैं प्ले रूम को साफ़ कर रही हूँ, तो ये भी डेली रिचुअल है, करना ही होता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि ये वाला बेडशीट जो है ना वो मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि बेडशीट गंदा हो रहा था और ये वाला बेडशीट सबसे पहले गंदा होता है, क्योंकि वियान पूरा दिन यहाँ पे खेलता रहता है तो ये फैलाता है वो फैलाता है, तो इसलिए बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना, क्योंकि ये बेड नीचे है ना तो नीचे के साइड से भी ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैं वो भी अभी साफ़ कर रही हूँ। अगर शेखर अभी नहीं है, शेखर जैसे बिहान को अभी छोड़ने गया है, तो शेखर जब होता है ना घर में तो मैं पूरा बेड जो है ना वो हटा के पूरा क्लीन करती हूँ, लेकिन अभी मैंने साइड से मैंने कर दिया है क्लीन, क्योंकि मेरे हाउस हेल्पर भी आ गया था तो मैं वेट नहीं कर पाती हूँ अभी। और सब खिलौना जगह की चीज़ मैंने जगह पे सेट कर दिया है सारा खिलौना, उसको ऐसे ही यहाँ पे रखना होता है, वरना अगर कुछ भी मैं इधर उधर करती हूँ ना तो वो आगे पूछता है मम्मा ये कहाँ है, मम्मा वो कहाँ है। और ये देखिए हमारा चीला इज़ रेडी, तो मैं अभी सर्व कर रही हूँ हमारा ब्रेकफास्ट। तो हस्बैंड को सॉस चाहिए, सॉस इज़ नॉट हेल्दी, सॉस की जगह आप चटनी लीजिए, हरी चटनी घर में बना हुआ वो लीजिए, वो अच्छा होता है। लेकिन हस्बैंड को अभी मेरे पास चटनी नहीं है तो हस्बैंड को सॉस चाहिए, तो मैंने सॉस दे दिया और थोड़ा सा आमंड रखा है साइड में। और ये वियान का पास्ता थोड़ा सा बच गया था तो थोड़ा सा हम लोग ले लिया टेस्ट करने के लिए। और हम लोग अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, पता नहीं क्यों ऐसे फेस में, बट हम लोग सैड नहीं है, ना ही हमारा झगड़ा हुआ है, बट या हम लोग चुपचाप खाना खा रहे थे अपना, और अपना दिन जो है ना वो आगे का प्लान कर रहे थे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हस्बैंड के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है, वो भी रेडी होके चले जाते हैं ऑफिस। और यहाँ पे ना उनका बैग का चेन खुला हुआ लगा मुझे, तो वो मैं लगा रही थी और मैंने उनको यहाँ पे कहा कि सॉक्स घर में पहन रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जूते जो है ना वो बाहर जाके पहनो, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा है ना, तो प्लीज़ बाहर जाके पहनो। तो उन्होंने मेरी बात सुनी तो वो बाहर जाके पहने। और अभी मैं हस्बैंड को भी बोल रही हूँ बाय बाय, एंड उसके बाद का टाइम ना थोड़ा सा रिलैक्स लगता है मुझे, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दबाजी में निकलता है मेरा, पहले बच्चे को विदा करो फिर हस्बैंड को विदा करो, और उसके बाद मैं यहाँ पर गाना चलाती हूँ। जी हाँ, मैं जब अकेले रहती हूँ ना घर में काम करती हूँ, मैं गाना सुनती हूँ। तो मैं अभी यूट्यूब में एक मैशअप मैंने लगा दिया था रोमांटिक वाला, मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स ज़्यादा अच्छा लगता है बॉलीवुड का। और यहाँ पे मैं करूँगी लंच की तैयारी, तो लंच की तैयारी थोड़ा सा मैंने रात को ही कर दिया था, तो मुझे कैबेज बनानी थी तो कैबेज मैंने रात को काट के रख दिया था। और आज मैंने बनानी है काली दाल, तो मैं लंगर स्टाइल दाल बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने रात को ही दाल जो है ना वो भिगो के रख दिया था। तो काली दाल जैसे थोड़ा सा ले लिया, एंड उसके हाफ क्वान्टिटी में आपको चाहिए चने दाल, तो मैंने ले लिया अराउंड एक कप काली दाल और हाफ कप मैंने ले लिया चने दाल। तो वो सब कुछ मैंने रात को ही सोक करने के लिए रख दिया था और सुबह अच्छे से फूल भी गया है। और अभी मैं इसको प्रेशर कुक करूँगी, नमक मिर्ची मैं और थोड़ा सा पानी मिला के मैं इसको बॉईल करने के लिए रखूँगी। 4 सीटी मैं इसमें आने देने वाली हूँ। और साइड बाई साइड मैंने यहाँ पे कैबेज भी चलाया है, वो भी थोड़ा सा मैं भाप देने वाली हूँ उसको, ताकि उसमें भी कोई जम्स ना रहे। और हस्बैंड का कॉल आ गया था कि वो आज बयान को रिसीव नहीं करने वाला है, तो मुझे जाना पड़ेगा और मैं अभी तैयार हो गई हूँ। ये कुर्ती बहुत ज़्यादा पुरानी है लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बयान को यहाँ पे मैं ले आने के बाद ही फ़ौरन बारिश स्टार्ट हो गई थी, और पता नहीं आजकल वेदर कुछ अजीब सी हो रही है, कभी भी बारिश आ जाती है और बारिश आने के फ़ौरन बाद फिर सूरज मामा दिखाई देती है। और बिहान ना मुझे इतना प्यार करता है, आप लोगों को मैंने कैमरे में आज दिखा दिया, तो बिहान को पता नहीं था कि यहाँ पे कैमरा ऑन है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा किसी विसी करता है, हमेशा बहुत ज़्यादा किसी करता है। अभी उसको दिखा कि अरे मम्मा ने कैमरा ऑन करके रखा है, तो थोड़ा सा पानी मैं उसको पिलाती हूँ स्कूल से आने के बाद, कपड़े चेंज कराती हूँ, और उसका जब मेरे ऊपर लाड प्यार ख़त्म होता है तब मैं उसको नहला देती हूँ। सुबह मैं उसको नहा के नहीं भेजती हूँ, क्योंकि आने के बाद वो थोड़ा सा पसीना पसीना होके रखता है, तो आने के बाद ही मैं उसको नहाना जो है ना नहलाना जो है ना वो प्रेफर करती हूँ। और बस वियान का सब कुछ समेटने के बाद, ये वियान का टीवी टाइम है तो उसको टीवी में बिठा के मैं भी आ गई हूँ अपना बाकी का आगे का लंच जो है ना वो बनाने के लिए। और लंगर स्टाइल दाल का रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला दाल जो है ना वो अच्छे से बॉयल हो गई है, तो मैं क्या करूँगी इसको मैशर के साथ थोड़ा सा मैश करती हूँ, तो ये वाला दाल ऐसे ही अच्छा लगता है। आप
पूरा मत मैश कीजिए, थोड़ा सा मैश कीजिए एंड थोड़ा सा ऐसे साबुत रहने दीजिए, क्योंकि ये जो दाल है ना ये ऐसा ही टेक्सचर में अच्छा लगता है। आपने लंगर में दाल खाया है या नहीं मुझे पता नहीं, बट मुझे दो बार नसीब हुआ था लंगर में खाना खाने की, तो ये दाल ना बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सी है, सिंपल हेल्दी एंड टेस्टी वाला दाल है ये। तो मैंने थोड़ा सा घी डाला है, घी में ही बनाइएगा, और घी में मैंने हल्का सा ऑयल डाला है इसका स्मोकिंग पॉइंट बनाने के लिए। और इसमें मैंने डाला है बे लीफ और एक क्या बोलता है उसको, सूखी लाल मिर्च, और उस पर मैंने डाला है फ्रेशली ग्रेट किया हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट, सो वो मैंने डाल दिया इसमें। उसको थोड़ा सा भुनने के बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज, प्याज मुझे इस दाल में ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है, मैंने डेढ़ प्याज मैंने डाला है बड़ा सा इसका। और बस इसको जब ऐसे कलर आ जाना उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है, एक चम्मच से भी ज़्यादा मैंने इसमें डाला है। और हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, क्योंकि ये दाल की वैसे भी कलर वो काली काली ब्राउन ब्राउन अच्छा लगता है। मैंने फिर भी थोड़ा सा हल्दी डाला और फिर इस मसाले को भूनने देंगे। इस मसाले जब भून जाए तो उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर, एक टमाटर मैंने डाला, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया, सॉल्ट का ध्यान रखना क्योंकि पहले भी हमने डाला है सॉल्ट। और इसको अच्छे से पकने देंगे, और जब टमाटर ऐसे गल जाए और तेल निकलने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे दाल। तो बहुत ज़्यादा मसाले वसाले इसमें नहीं डालते, कम मसाले में बनता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है, सिंपल टेस्टी वाला दाल। और इसमें पानी भी मैंने मिला दिया है और इसको बॉयल आने के लिए रखेंगे, और जब बॉयल आ जाए ना तब आप गैस को ना थोड़ा सा सिम पे कीजिए, इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए इसको पकने दीजिए, बीच बीच में आप चलाइए ताकि ये नीचे से ना लग जाए। और ये देखिए हमारा दाल बनके तैयार है, मैंने 15 मिनट के लिए पकाया है। जितना ज़्यादा पकाओगे ना दाल उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा, तो अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा पकाइए, मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने 15 मिनट के लिए इसको सिम पे रख के कवर करके पकाया। और दाल का टेक्सचर आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, उतना ही सिंपल एंड हेल्दी वाला दाल है ये। और ये बनते बनते यहाँ पे मैंने कैबेज भी बना दिया है, तो कैबेज को मैंने फ़िश हेड के साथ बनाऊंगी। यहाँ पे कैबेज बिल्कुल रेडी है, उसके बाद मैं फ़िश हेड इसमें मिलाने वाली हूँ। फ़िश हेड मैंने ऑलरेडी फ्राई करके रख दिया था, और जब तक मैं खाना बना रही थी ना, और तब यहाँ पे धूप आ गई थी फिर से और आसमान बिल्कुल क्लियर हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइज इसके साथ मैं आज का ये जो वीडियो है ना वो यहाँ पे करती हूँ ख़त्म। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम सब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।